बिहार का एक ऐसा मंदिर जहां भोलेनाथ को त्रिपुंड तिलक नहीं बल्कि विष्णु जी का वैष्णव तिलक लगता है। आइए आपको इस मंदिर के बारे में बताते हैं। ये मंदिर बिहार के जमुई में स्थित है। यहाँ के पुरोहितों का दावा है कि ये देश का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहां पर शिव जी का त्रिपुंड तिलक नहीं बल्कि विष्णु जी का वैष्णव तिलक लगाया जाता है। पुरोहित बताते हैं कि इस शिवलिंग पर वैष्णव तिलक लगाने का एक कारण है और इसके पीछे एक अनोखा रहस्य छिपा हुआ है। जान लो क्या है इसके पीछे का रहस्य। मंदिर के पुरोहित पंकज पांडे के मुताबिक जब पक्षीराज जटायु अपनी मृत्यु की समय सीमा पर थे तब उन्होंने भगवान श्रीराम से ये वरदान मांगा था कि वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनका नाम अमर हो जाए। उस दौरान भगवान श्रीराम ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए अपने हाथों से यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। साथ ही उन्होंने अपने माथे पर लगाया तिलक इस शिवलिंग को दिया था। इसी के चलते इस मंदिर का नाम गिद्देश्वर नाथ महादेव मंदिर पड़ा है जो कि पक्षीराज जटायु के नाम पर है। चूंकि भगवान राम विष्णु का अवतार थे इसलिए तभी से जिस प्रकार भगवान विष्णु का श्रृंगार और पूजा अर्चना होती है उसी तरीके से इस मंदिर में भी पूजा पाठ किया जाता है। इस मंदिर के बीच में एक कुआं है जिसकी भी एक अलग मान्यता है। इस मंदिर के पुरोहित के मुताबिक जब पक्षीराज जटायु अपने अंतिम समय में थे और भगवान शिवलिंग की स्थापना हुई थी तब शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए आस पास पानी नहीं था। इसे देखकर लक्ष्मण ने अपने बाण से एक कुआं बना दिया था ताकि उस कुएं के जल से भगवान शिव की पूजा अर्चना हो सके। लोग आज भी मंदिर में आने पर इसी कुएं के पानी से भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं। भगवान शिव को मानने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।